योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। साल 2023-24 का यह बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। यह पिछले साल के बजट से करीब 75,000 करोड़ अधिक है। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पढ़ना शुरू किया तो जय श्री राम का जय घोष हुआ। सुरेश खन्ना ने बजट में तमाम बड़े ऐलान किए। सुरेश खन्ना ने बताया कि 2023-24 में बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़, पुलिस विभाग में आवासीय सुविधा के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव काले रंग की शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां हमारे यवन संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ है। जी जय, आज लोक लुभावन बजट कहें या फिर लोगों के काम आने वाला बजट, किस तरह का बजट रहा और उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है निकलकर सामने? देखिए विक्रम जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो विधानसभा सत्र का बजट काल चल रहा था, इसमें योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का और दूसरा बजट पेश कर दिया। आपको बता दें कि ये जो बजट है 2023 और 24 का ये बजट है और इसमें जो है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का ये बजट कहीं ना कहीं पास किया गया है। और जिस तरीके से बजट है ये माना जाए तो अगले उससे जो 75,000 करोड़ से भी अधिक ये बजट माना जा रहा है। जिस तरीके से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज ये बजट पढ़ना शुरू किया था तो आपको बता दें कि विधानसभा का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे थे और बड़े बड़े तमाम जो है बजट को लेकर ऐलान भी किया गया। जिस तरीके से बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर को भी बात किया गया, जिस तरीके से 550 करोड़ के प्रावधान के साथ उसको जोड़ा जाएगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी टैबलेट और स्मार्टफोन की बात करी गई। पुलिस विभाग की बात करें तो उसमें भी सुविधाओं के साथ साथ 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कहीं ना कहीं पास किया गया। अगर हम इन सब चीजों को देखते हुए अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बजट को कहीं ना कहीं लुभावना और 2024 को लेकर बताता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात करें तो जो राज्य मंत्री रजनी तिवारी हैं, उनका ये बयान था कि बजट महिलाओं युवाओं के लिए अच्छा है। जिस तरीके से अगर बात करें तो रजनी तिवारी ने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला कि जिस तरीके के बजट को लुभावना बोला जा रहा है उसको न देखते हुए सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये बजट कहीं ना कहीं पेश किया गया। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हैं, उनका ये बयान था कि इस सरकार युवा बेरोजगार और किसान परेशान है और छोटा व्यापारी भी परेशान है। महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार सिर्फ इवेंट और मैनेजमेंट पर काम कर रही है, इसके अलावा कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन योगी सरकार की अगर हम बात करें तो आज ये एक मेगा आम बजट कहीं ना कहीं पेश किया गया है और माना जाए तो इसमें सौगातों की लगातार बारिश की गई है। जिस तरीके से सुरेश खन्ना ने आज युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ बुनियाद विकास के साथ एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन, एजुकेशन, एयरपोर्ट, वीमन एजुकेशन, रोजगार और फोकस पर भी उम्मीद की है कि किस तरीके से इस पर फोकस किया जाए। बजट पेश होने के बाद आज जिस तरीके से अगर लोगों की बात करें तो इसमें जो प्रदेश सरकार के प्राइवेट स्कूल में दो बहनों के पढ़ने पर एक की फीस भरने की भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है। अगर बात किया जाए तो बजट में कई ऐसी चीजें हैं जो माना जाए तो लगातार कहीं ना कहीं योजनाओं के साथ लोगों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। प्राथमिक विद्यालय की बात करें, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें, स्मार्ट क्लासेस की बात करें, अगर हम छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें और साथ साथ महिलाओं की बात करें तो सभी का ध्यान रखते हुए ये बजट कहीं ना कहीं पेश किया गया और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये बजट कहीं ना कहीं सभी को खुश करता हुआ नजर आएगा। और विपक्ष की बात करें तो चाहे वो श्रीपाल यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य जितने भी विपक्ष हैं वो इसको कहीं ना कहीं खोखला बजट बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसको ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। जी बिल्कुल जय, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि है वो कहीं ना कहीं इस बजट में दिखाई गई, क्योंकि आपने जितना बताया महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और डिजिटल जो बनाने के लिए एक बजट में कई चीजें जोड़ी गई, वही धार्मिक पर्यटन को लेकर बहुत कुछ नया ऐलान हुआ है, तो ये एक धार्मिक पर्यटन वाला मामला भी काफी अलग से इस बजट में निकल कर सामने आया है। जिस तरीके से आप
तरीके से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी जी का जो कार्यकाल था वो पिछला कार्यकाल भी कहीं ना कहीं इससे पहले वाला भी कार्यकाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब ये दूसरी बार फिर से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमतों से जीता तो उसके बाद फिर जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आदेशित किया गया और उनको फिर उत्तर प्रदेश की कमान दी गई। तो वो जिस तरीके से उनको कमान दी गई वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आए। उन्होंने लगातार बात करें तो उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को चमकाने का और स्मार्ट बनाने का पूरा प्रयास रहा। और अगर हम बात करें इसी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दिया, G20 की बात करें तो उसको लेकर बढ़ावा दिया। अब जिस तरीके से उन्होंने पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में भी लगातार बढ़ावा जिस तरीके देखने मिल रहा है, जिस अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके बढ़ावा मिला और काशी में कॉरिडोर बना, उसके बाद मथुरा जिस तरीके से चला। तो अगर हम इन मान के चले विक्रम जी, जिस तरीके उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है और पर्यटन एक ऐसी दिशा है जिससे कहीं ना कहीं जिस दिशा के माध्यम से चलते हुए सरकार लगातार पर्यटन के मामले से रोजगार भी बढ़ सकता है और लोगों को इसमें बढ़ावा मिलेगा, इसमें रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर सरकार देखा जाए तो आय भी बढ़ेगी। जब पर्यटन में लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उत्तर प्रदेश को सुंदर और स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के लिए पूरा प्रयास रहा, जिसके लिए योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की छवि साफ सुथरी है। उसको देखते हुए कहीं कहीं जो बजट है, ये बजट भी उन चीजों का ध्यान रखा गया और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कि किसी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को कोई नाराजगी ना हो, इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये बजट आज का पेश किया गया है। जी बिल्कुल, जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से पूरी जानकारी दे रहे थे और बजट की जो खासियत थी वो हमारे साथ साझा कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार का दूसरा बजट, दूसरे कार्यकाल का बहुत ही लुभावना बताया जा रहा है और उसके साथ सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। संभव हो सकेगी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषकों की आय में अभिवृद्धि है तो कृषि शिक्षा शोध एवं अनुसंधान के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर अयोध्या बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्य हेतु लगभग 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुग्ध विकास, भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय की एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगार हेतु अतिरिक्त आय का लाभ प्रद साधन है। वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86,95,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित स्थापित की गई है जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं नया स्वरोजगार प्रारंभ करने वाले युवाओं को अनेक वित्तीय सुविधाएं अनुबंध की गई है जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गारमेंटिंग नीति 2017 के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, इस हेतु 345 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पावर लूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई। इस पायलट योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत अनुरूप 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन का 5 वर्षों में वितरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टेट डाटा सेंटर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था।